घर बैठे बैठे परमानेंटली स्ट्रेट हेयर चाहते हो, चाहते हो सिल्की स्मूथ हेयर चाहते हो, अगर चाहते हो तो प्लीज़ डू नॉट स्किप दिस वीडियो एंड आई एम वेरी श्योर यू गोना लाइक दिस इफ यू ट्राई इट फॉर वंस. या ट्रस्ट मी ऑन दैट. वेलकम बैक टू माई चैनल एंड यू गर्ल नॉट वॉचिंग तोशी का चैनल. सो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें. मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप चाहते हैं मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे बालों में पता नहीं मैंने क्या क्या लगाया हुआ है, क्या क्या किया हुआ है. जो भी किया है ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है और आपके लिए भी बहुत अच्छा साबित होने वाला है. सो या अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने अपने बालों के साथ क्या किया है तो या अगर आप अपने कर्ली बेबी और फ्रीजी हेयर से परेशान हो चुके हैं, आपके बाल जेड हो चुके हैं, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें. 100% ये आप पे वर्क करने वाला है कि मैं इसे यूज़ कर रही हूँ. मेरा 60-70% चीज़ें ठीक हो चुकी है तो आई एम वेरी श्योर 30-40% जो भी बचा हुआ वो भी मेरा ठीक हो जाने वाला है. एंड मैं कभी भी अपने बालों में इतने प्रैक्टिकल्स कभी नहीं करती आई हुई हूँ. कुछ समय से कर रही हूँ जब से मेरे बाल ख़राब हुए हैं, लेकिन ये जो है ना ये बहुत काम कर रहा है, ट्रस्ट मी ऑन दैट. आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जो कि स्ट्रेट हेयर, सिल्की स्मूथ हेयर नहीं चाहते हैं? मुझे लगता है कि सबको ही लंबे लंबे स्ट्रेट सिल्की स्मूथ हेयर पसंद है. एंड स्ट्रेट हेयर डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. और मैं जैसा कि मैं बॉम्बे में हूँ और बॉम्बे में ना यहाँ का ह्यूमिड नेचर के कारण आपके बाल बहुत फ्रीजी, बहुत कर्ड हो जाते हैं, जो कि मुझे बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. मैं अपने बालों से काफ़ी ज़्यादा परेशान आ गई थी क्योंकि मुझे बिल्कुल ही फ्रीजी हेयर, कर्ली हेयर पसंद नहीं है. मैं कोई भी स्टाइल नहीं कर पाती थी अपने बालों के साथ, हमेशा ले दे के मुझे वो जूड़ा ही करना पड़ता था, क्योंकि बॉम्बे में सभी लड़कियाँ लगभग करती हैं. यही बात अगर आप परमानेंट स्ट्रेटनिंग चाहते हो तो आप सैलून में जाके करवा सकते हो, मगर आप भी जानते हो वो परमानेंट कभी होते नहीं है. वो 5-6 महीने का काम है. 5-6 महीने तो बड़ा ट्रीटेड लगेंगे आपके बाल, बड़े हेल्दी, बड़े ग्लैमरस, बड़े सीधे साधे, सुंदर, सिल्की, स्मूथ लगेंगे. ऐसे ही नई ग्रोथ आएगी ना, उसके बाद आपके बाल जो यहाँ से कर्ल होना, फ्रीजी होना, टूटना, अनहेल्दी, डेड होना शुरू होंगे ना, उसको तो कोई भी नहीं बचा सकता है. चाहे आप कितना भी केयर कर लो, चाहे वो कर लो, चाहे आप कितने भी सीरम्स लगा दो, कुछ भी कर लो, वो कुछ नहीं होना है. वो एक बार ख़राब हो गए तो ख़राब हो गए. सो मेरा तो आपको एक एडवाइस टिप ये है कि आप परमानेंट स्ट्रेटनिंग ना लें, और वो बहुत महंगा भी होता है. महंगाई के साथ साथ महंगा तो वह है, आप भी जानते हो, और आफ्टर इफेक्ट्स भी मैंने आपको बता दिए हैं. तो जो लोग ना घर बैठे ही अपना बालों को सुंदर और स्ट्रेट करना चाहते हैं उनके लिए ये रेमेडी बेस्ट है, मनी सेविंग है. घर बैठे ही स्मूथ सिल्की भी मिल जाएंगे. लाइक देखो मेरे बाल कितने अच्छे हो गए, और ये सिर्फ 2 एप्लीकेशन का रिजल्ट है. मैं अब आने वाले समय में इसको हमेशा वीकली ट्राई करने वाली हूँ, तब देखिएगा मेरे बाल कैसे हो जाते हैं. एंड मैं आपसे यहाँ बिल्कुल भी फेक बातें नहीं कर रही हूँ, झूठे वादे नहीं कर रही हूँ, विद प्रूफ आपसे बात कर रही हूँ. यहाँ मैं 3 पिक्चर्स डालूंगी. पहली पिक्चर में आप देख सकते हो मेरे बाल कितने डेड, कितने कर्ली हैं. सेकंड पिक्चर में आप देखोगे मेरे बाल इम्प्रूव्ड हो चुके हैं, क्योंकि वो फर्स्ट एप्लीकेशन है मास्क का. उसकी सेकेंड पिक्चर है वो आफ्टर सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ मास्क है, जब मैंने दूसरी बार मास्क लगाया उसके बाद की वो पिक्चर क्लिक की हुई है. तो आपको ना तीनों में बहुत डिफरेंस नज़र आने वाला है, एंड डेफिनेटली आई एम श्योर यू गोना लाइक इट. ये पिक्चर मेरी 1 महीने पहले की है, और आप इसमें देखिए मेरे बाल कितने कर्ली हैं. ये पिक्चर मेरे मास्क के फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद है, और आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है पहले वाली पिक्चर से. और ये आफ्टर सेकेंड एप्लीकेशन बहुत इम्प्रूव्ड है, बहुत अच्छे हैं, रियली लाइक इट. हमने यहाँ पे बहुत सारी बातें कर ली हैं, और मुझे लगता है बिना लेट किए अब हमें वीडियो देखना चाहिए. हमें इस रेमेडी के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं वो मैं आपको बताती हूँ. बहुत ही बेसिक हैं जो आपके घर में आसानी से मिल जाएंगे. सो या विदाउट फर्दर लेट्स गेट स्टार्ट. तो ये रहे हमारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स. सबसे पहले हम फ्रेश एलोवेरा की बात करेंगे. एज यू नो एलोवेरा रिपेयर्स डेड सेल्स ऑन द स्कैल्प, आपके बालों को अच्छा कंडीशन देता है, सिल्की स्मूथ बनाता है. एंड अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा नहीं है तो आप जेल भी यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड वन इज़ दिस लेमन. आप हाफ अ लेमन यूज़ करें. लेमन आप जानते हो हमारे डैंड्रफ को रिमूव करता है, प्लस हमारे बालों को स्ट्रेट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट भी है.
सो हम रबन यूज़ करेंगे इसमें. थर्ड वन इज़ दिस कैस्टर ऑयल. कैस्टर ऑयल हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी करता है, थिकनेस अच्छी करता है, हमारे बालों को नरिश भी करता है. सो कैस्टर ऑयल भी हमारे बालों को स्ट्रेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है. फोर्थ वन इज़ दिस वाइटामिन ई कैप्सूल. वाइटामिन ई कैप्सूल जैसा कि आप जानते हैं हमारे बालों को नरिश करता है. एंड अगर आप कभी सिर्फ कोकोनट ऑयल से भी बालों की मसाज करते हो तो इसमें आप ये वाइटामिन ई ऐड कर सकते हो, बहुत अच्छा होता है हमारे बालों के लिए. एंड द लास्ट वन इज़ दिस रॉ काउ मिल्क. काउ मिल्क सबसे इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है इसमें हमारे बालों को स्ट्रेट करने के लिए, और ये नरिश मॉइस्चराइज करता है. सो ये रहा हमारे पांच बेसिक इन्ग्रीडियंट्स जो आपके घर में पाए जाते हैं जिससे हम मास्क बनाने वाले हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा जो रॉ काउ मिल्क है उसमें आप कैस्टर ऑयल को 1 टीस्पून आप ऐड करें. अगर आपके ज़्यादा कर्ली हेयर हैं तो आप ज़्यादा क्वांटिटी पे भी यूज़ कर सकते हैं सारे इन्ग्रीडियंट्स को. सो ये हमने यहाँ पे कैस्टर ऑयल ऐड किया अराउंड 1 टीस्पून. उसको आप अच्छे से रॉ मिल्क में मिक्स कर लें. आफ्टर मिक्सिंग इट हमारा जो लेमन जूस है उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और हमारे मास्क में उसको अच्छे से मिक्स करेंगे. यहाँ पे हम सबसे पहले अपना जो विटामिन ई कैप्सूल है उसको हम अच्छे से इसमें ऐड कर लेंगे. उसके बाद हमारा जो फ्रेश एलोवेरा है उसका हम जेल निकालेंगे. उसको आप अच्छे से पील ऑफ कर लें, और पील ऑफ करने के बाद उसको आप उसका जो जेल है वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और उसको हम हमारे मास्क में ऐड कर देंगे. ये मास्क आप चाहे तो मिक्सी में भी अच्छे से इसको फेंट सकते हो, बिकॉज़ जो इसका ये पल्प होता है एलोवेरा का वो उसको मिक्स करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा. तो आप इसको मिक्सी में भी अच्छे से मिक्स कर सकते हो, या चाहे तो आप हाथ से भी कर सकते हो, या विद द हेल्प ऑफ स्पून आप कर सकते हो. और ये जब ये मास्क बन जाए, इन सारे इंग्रीडियंट्स को मिलाने के बाद ये मास्क आपका रेडी हो जाएगा. और इस मास्क को आप अपने बालों पे लगा सकते हो. मैं आपको भी बताऊंगी कि इसको कैसे लगाना है. एंड मास्क को लगाने के बाद आप 30 मिनट्स तक मास्क को अपने बालों में रखें, और आफ्टर 30 मिनट्स यू कैन वॉश इट विद शैम्पू और कंडीशनर. तो यहाँ मैंने 30 मिनट तक अपने बालों पे वो मास्क अप्लाई करके रखा था. उसके बाद मैंने हेयर वॉश कर लिया है. शैम्पू कंडीशनर आप कर लो, उसके बाद आप इस टाइप के कोम से आप हल्के हल्के हाथों से अपने बालों को सुलझा लें पूरे.
कोम करने के बाद आप अपने बालों को ड्राई होने दें, कोई भी ड्रायर यूज़ ना करें, नेचुरली इन्हें ड्राई होने दें। चाहे तो आप क्लच करके रख सकते हैं पीछे टाइट करके अपने हेयर को। या चलो देखते हैं ड्राई होने के बाद कैसे दिखता है। हेलो, तो मैंने मेरे बालों को ड्राई कर लिया है और मेरे बालों को मैंने कोई ड्रायर यूज़ नहीं किया है, कोई स्ट्रेटनर नहीं यूज़ किया है, सिंपल मैंने इसको कोम करने के बाद सूखने को छोड़ दिया था। और देखो मेरे बाल कितने शाइनी हो चुके हैं, शाइनी स्मूथ। तो मुझे लगता है ये मास्क बहुत अच्छा है, बिकॉज़ मेरे बाल आप पिक्चर में देखोगे ना बहुत कर्ली थे, उसके कंपेरेटिवली 82-80% मुझे लगता है मेरे बाल स्ट्रेट हो चुके हैं। इस मास्क को मैंने हार्डली 2 बार ही अभी तक अप्लाई किया है, एक बार अभी आप लोगों के सामने, एक बार इसके पहले टेस्ट करने के लिए, जो कि मुझे एक ही एप्लीकेशन के बाद ये बहुत अच्छे लगे थे, इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों को ये शेयर करूं। एंड अगेन मैं एक बात बोलना चाहूँगी, एक दो एप्लीकेशन से आपके बाल पूरे स्ट्रेट नहीं हो सकते हैं। आपको जिनके बहुत कर्ली और वेवी हैं उनको वीक में एक बार आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, तो तब जाके आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे बार बार ट्राई कर सकते हैं। मैं तो बहुत हैप्पी हूँ अपने बालों के साथ, और ये देखिए कितना अच्छा फॉल आ रहा है, कितना शाइन। आज मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो मेरा बहुत पसंद आया हो, एंड इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर ट्राई किया है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, एंड या डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन, एंड प्लीज़ इसे आप लाइक, कॉमेंट, शेयर सब कुछ करें जो आप कर सकते।